नाम बताओगे अपना? तनिष्क लोढ़ा। तनिष्क, तनिष्क आपने जब सबसे पहले स्टार्टिंग से चालू करते हैं, इलेवंथ नहीं किया, ट्वेल्थ में ज्वाइन किया, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट या जूनियर को जो आने वाले हैं सीए में या कि ट्वेल्थ में आने वाले हैं या इलेवंथ में आने वाले हैं, उनको क्या बताओ? इलेवंथ नहीं लगाया तो आप खुश थे क्या? नहीं, मैं एक्चुअली कोविड बैच थी तो इसलिए इलेवंथ पे इतना ध्यान नहीं दिया। कोविड बैच थी इसलिए आपने इलेवंथ में ध्यान नहीं दिया। पर बट जब मैं ट्वेल्थ में आया तो मैंने देखा कि मतलब जो पहले से इलेवंथ में भी बहरे में थे तो उनका थोड़ा नॉलेज ज़्यादा था मुझसे। अच्छा। तो वो एक छोटा सा रिग्रेट था कि इलेवंथ में नहीं लिया था। ओके। क्योंकि और जब भी आप स्टार्ट किया था तो इकोनॉमिक्स मतलब ट्वेल्थ में ही पढ़ाई स्टार्ट की थी ऐसे कह सकते, तो वो स्टार्ट किया था तो फिर आपसे सीखा। ओके। तो फिर एंजॉय कर रहे थे इकोनॉमिक्स। अच्छा। इसलिए इलेवेंथ में भी चाहिए था ऐसा था। अच्छा, जिस प्रकार से मजा मस्ती के साथ स्टडी किया और कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए, दोनों को ध्यान रखते हुए आपको लग रहा था कि इलेवंथ में भी क्लासेस लगानी चाहिए थी, चाहिए तो आप अपने जूनियर्स को क्या बोलोगे कि इलेवंथ लगाना चाहिए? इलेवेंथ तो लगाना ही चाहिए क्योंकि फिर मतलब आगे फिर प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। अच्छा, आपने ट्वेल्थ के साथ और इलेवंथ भी नहीं लगाया, उसके बाद ट्वेल्थ में भी आपने सीए फाउंडेशन ज्वाइन नहीं किया, तो ये भी गलती के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आज भी आपको लगता है गलती की है भले आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो? हाँ, इसके बारे में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास तो हो गया, पर अगर तब से स्टार्ट करते थे पढ़ाई तो जेन्युइनली कि मतलब नॉलेज तो बढ़ता ही था, वो एक पॉइंट है, पर एक हाथ बैठ जाता था लिखने में जो बहुत प्रॉब्लम हुआ था एंड एंड में। अच्छा, मतलब पढ़ने का हैबिट ही खत्म हो गया था, ये प्रॉब्लम है। और आप ये बोलना चाहते हो कि इनकेस यदि आपने 11 से चालू किया होता तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सीए फाउंडेशन पहले ही क्लियर हो जाता था। सो यही करते हैं स्टूडेंट की, क्या आपको लग रहा था कि आप 11 के साथ मैनेज कर लेते, 11 12th के साथ, या कि इवन 12th के साथ आप मैनेज कर लेते? 12th में 12th के साथ कर सकता था, पर एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा। ओके। तो उसके वजह से फिर घर वालों ने बोला कि थोड़ा मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए 12th में अभी रहने दो, 12th के बाद सीए फाउंडेशन पे ठीक से ध्यान कर लेना ऐसे। अच्छा, इस कारण से आपने 12th के बाद आपने सीए फाउंडेशन। हाँ। आपके सीए फाउंडेशन में भी काफी अच्छे मार्क्स आए, तो 12th में भी अच्छे मार्क्स थे क्या आपके? कितने थे मार्क्स? 12th में 90% था मुझे। 12th में 90% था। हाँ। और आपको क्या एक्सपेक्टेड था, कितने आएंगे? नहीं, इलेवंथ में क्या था ये? 11th में 88 था, पर वो सब मतलब ऑनलाइन ही था सब। और अच्छा, ऑनलाइन वाला 11 था इसलिए। अच्छा, 10th में क्या थे? 10th में 80 थे। 80 थे, मतलब आपके 80-90 मतलब था। जनरली हमने ऑब्जर्व किया है जो 10th में मार्क्स रहते हैं उससे जनरली कम हो जाते हैं 11th 12th। हाँ, कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपके 11th में भी इम्प्रूव हुए, आप बोल रहे हैं उसको कोविड का नाम दे दिया। हाँ। लेकिन 12th तो कोविड में नहीं हुआ। नहीं, 12th कोविड में नहीं हुआ। 12th कोविड में नहीं हुआ, तो उसमें आपके अच्छे उसमें इम्प्रूव हुए थे क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट का एक थोड़ा ऐसा लिविएट किया थ्योरी सब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो कि आपका ये बोलना है कि थ्योरी सब्जेक्ट के भी मार्क्स, क्योंकि एक यदि अकाउंट्स बस में आप क्लास लगाते हो या कि अकाउंट्स सिर्फ स्टडी करते हो, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट स्टडी करने से ही आपके अकाउंट्स में 100 आ गया तो 100% बनता है, बाकी सभी सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है तब जाके आपके, क्योंकि 100 सिर्फ स्कोर किया तो मतलब नाम हो जाता है वो उतने सब्जेक्ट के लिए, लेकिन परसेंटेज नहीं आती, इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट। अच्छा, तुम्हारा मैथ्स था पहले से, मैथ्स में लव था, तुम्हारे बैच में भी काफी स्टूडेंट थे जो अभी अभी एग्जाम देंगे क्योंकि तुम्हारा अभी पहले हो गया एग्जाम। हाँ, वो 12th में है, तुमने लेट ज्वाइन किया, तो ऐसा कभी डर नहीं लगा उनको देखने के बाद? और वो क्लास का जो एटमॉस्फेयर था तो कैसा लगा आपको, मजा आ रहा था? पहले 2-3 दिन थोड़ा डर था कि कैसे होगा करके, पर बाद में फिर थोड़ा मतलब फ्रेंडली नेचर था मतलब सारे टीचर्स का, तो इसलिए हो गया वो ठीक। और साथ में स्टूडेंट्स का भी मजा मस्ती के साथ पूरी स्टडी हुई आपकी। तो ये एक और कंसेप्ट होता है, पेरेंट्स और स्टूडेंट पहले डल जाते हैं, मजा मस्ती और स्टडी दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसके बारे में क्या बोलना है? क्योंकि मैं घर पे जब भी जाता था तो मतलब नहीं क्या मॉम को मेरे मैं बताता था कि आज क्लास में ऐसा ये हुआ ये जोक हुआ, तो मेरी माँ को यही टेंशन रहता था कि तू सिर्फ मजे ही कर रहे, मेरे को पढ़ाई के बारे में कभी कुछ बता नहीं रहा है। अच्छा। तो मेरी मॉम थोड़ी टेंशन में थी, पर मैंने बोला कि नहीं ठीक हो, पढ़ाई भी होती है करके। अच्छा। पढ़ाई के साथ ही सब चलता है। अच्छा। तो थोड़ा उसने भी ट्रस्ट किया ऐसे, और 12th के मार्क्स के वजह से फिर ज्यादा ट्रस्ट था कि हाँ जब 12th में हंसी मजाक के साथ इतना डांस का सॉन्ग के साथ हो सकता है तो सीए फाउंडेशन भी हो जाएगा। ये ट्रस्ट में आप कहाँ तक आपको लग रहा है कि आपको लग रहा था कि आप सीए फाउंडेशन में इतने अच्छे मार्क्स, देखो एक 12th में मार्क्स स्कोर करना और सीए में एक स्कोर करना दोनों अलग है, आपके 80+ मार्क्स आ रहे हैं अकाउंट्स और कौन सा दूसरा इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में सीए फाउंडेशन में, तो इसके बारे में क्या है आपको, क्या राज क्या था आपका? तो अकाउंट्स में तो मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है और मतलब तुम्हारे प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है, तो 11 से इसलिए वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो लगती है। oh. और तो भी नहीं थी, पर यहाँ पे मेरा हो गया था मतलब
कंसेप्चुअल अच्छा, हो मतलब रहा था 12th और सीए फाउंडेशन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी सफिशिएंट हो गई थी। अच्छा और क्या हेल्प किया आपको? टेस्ट पेपर्स नोट्स में मतलब हमको एनालिसिस देते पिछले 10-15 साल में कितना हर एक लेसन को वेटेज था करके। तो फिर उससे एक ये होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स पे मतलब कौन से इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और पास्ट पेपर्स भी देखे थे और वही पास्ट क्वेश्चंस भी थे हमने, आरटीपी, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद जो नोट्स थे और उसके बाद जो टेस्ट था। हाँ, टेस्ट के बारे में हम लोग एक और बोलते रहते हैं कि दम है तो फेल होके दिखाओ, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है। जैसे condition. हम 100% गारंटी देते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं यार ये सीए फाउंडेशन प्रोफेशनल एग्जाम में गारंटी कौन देता है। राइट, हम हमेशा देते हैं कि 100% गारंटी है, इसके बारे में क्या बोलोगे और कंडीशन क्या है? कंडीशन तो ये है कि मतलब 10 अगर 10 लेक्चर्स है तो उसमें से मिनिमम 8-9 तो करने ही है, और जितने टेस्ट है उसका भी तुमको सारे अगर दे सको तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि सारे ही दो, क्योंकि तुमको फिर समझता है कि आगे जाके मतलब तुम कितने पानी में हो, और आगे फिर तुमको समझता है कि कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, और गलतियों से समझ जाता है। और फिर एट लास्ट एक काउंसलिंग सेशन भी होता है, तो फिर तुम कौन से सब्जेक्ट्स में थोड़े वीक हो तो उसके हिसाब से तुम्हारी एक अलग सी स्ट्रैटेजी बता के देते हैं, तो फिर उससे हो जाता है। ये काउंसलिंग सेशन आपने बीच में बोल दिया, अपन ने अच्छा अपन ने काउंसलिंग किया था। हाँ, एक स्टूडेंट का किया था, सभी का नहीं, सबका हुआ था, सबका अलग अलग से बैठा के किया था, सबका अलग अलग, एक एक को एक 15-20 मिनट तो मिनिमम दिए ही थे। और उसमें हमने एक डिटेल में एनालिसिस किया किसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्या करना चाहिए। ओके, आपने बोल दिया टेस्ट देना चाहिए कभी हमने, लेकिन टेस्ट के मार्क्स के ऊपर कभी आपको कुछ बोला क्या? नहीं, टेस्ट में सिर्फ तुम मतलब टेस्ट दो, सिंसियरली दो, लिखते रहो, सिर्फ ये मत देखो कि क्या गलत है क्या सही है, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान, तुम एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हो ना तो फिर वो तुमको समझता है कि ये क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है, और तुम बाद में चेक तो करोगे कि मतलब क्या आंसर हो सकता है। तो ये बोलना चाहते हो टेस्ट दे दो। हाँ, और जबकि आपने पूरे टेस्ट नहीं दिए थे तब भी। अच्छा ये बताओ, अभी एटलीस्ट 8-9 लेक्चर अटेंड करने के बाद आउट ऑफ 10, रेशियो हम बात कर रहे हैं 8-10 का भी आपने रेशियो रखा, 10 लेक्चर हो रहे हैं उसमें 8 या 9 भी लेक्चर आपने अटेंड किए और उसके बाद सीधे टेस्ट दे दिया, घर में आप कुछ खास पढ़ते थे क्या? मैं नहीं पढ़ता था। तेरे पास तो कुछ था भी नहीं, 12th भी नहीं था, तब भी घर में नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ता था। अच्छा, तो भी पास हो गए? पास हो गए। अपन ने क्या कमिटमेंट किया था कि अपन को क्लास में आके बैठना है और ध्यान लगा के ये करना है करके। सिर्फ क्लास किया और टेस्ट दे दिया, टेस्ट दे दिया, हो गया। और टेस्ट भी इन्होंने कुछ पूरे नहीं दिए, और हम इसीलिए इतने अश्योरिटी से बोल देते हैं कि यदि 8-9 लेक्चर्स आपने इनकेस अटेंड किए हैं और 100% हम बोलते हैं टेस्ट दो, जबकि इन्होंने भी नहीं दिया, कोई नहीं दे पाता है। 72 टेस्ट होते हैं हर टॉपिक के, हर टेस्ट, हर चैप्टर का एक टेस्ट, और उसके बाद 50% सिलेबस और 100% सिलेबस, MCQ भी होता है और ये सब्जेक्टिव भी। सो सब नहीं दिए तब भी आपको कैसे, आपको कौन कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस इसलिए हो गया था क्योंकि एक वो काउंसलिंग सेशन में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दी थी जिसपे ट्रस्ट हो रहा था कि हाँ मतलब ये हो सकता है करके। चिराग यहीं पास खोल दोगे कि नहीं नहीं अभी यहाँ नहीं बताते, लेट देम टू कम। हाँ, कि कैसे पास होना है ना, गुरु मंत्र है ना वो। तो इनका जैसे लॉ भी इनका वीक था, गुरु मंत्र बताने का नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं बताने का। सो लॉ में इतना आपको डिफिकल्ट हुआ? मैं बता रहा हूँ इनके 42 मार्क्स से कैसे तो करके पास हुई, इन्होंने लॉ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था तब भी अच्छे मार्क्स से पास, लॉ अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुए, लेकिन बाकी सब हो, बाकी सब में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। लॉ में इनके 42 है, बताओ वो भी कैसे आए? वो मत बताओ, है ना। मतलब यदि आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, आप हमसे आके बात करते हैं, स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनाते हैं, तो उसमें भी पास हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। राइट, और कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? मैं इतना ही कहूँगा कि 11th से इधर लग जाओगे तो फिर मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बैठ जाएगी ना, तो तुम्हारा मतलब सब्जेक्ट में और तुम इंटरेस्ट हो जाता है, वो कॉन्सेप्चुअल एक क्लैरिटी हो गई ना तो एक इंटरेस्ट बढ़ता है सब्जेक्ट में, तो फिर तुमको पढ़ना अच्छा लगता है। तो पढ़ना जब अच्छा लगता है तब तुम क्लास आते भी हो, अटेंड भी करते हो, और तुमको समझ में भी आता है, फिर वो रिजल्ट में तुम्हारे फिर दिख ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, यदि आपको नेचुरल है, यदि आप स्टार्टिंग से कोई सब्जेक्ट को सॉल्व या कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको आता है तो आपको और मजा आता है। ये हाँ, बहुत बार होता है कि हम मैथ्स में ये बहुत बड़ा एक रोल है।
जब आपको आता है तो आप और सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आपको पढ़ने में मजा आता है, स्टडी और करते हो, आपको स्टडी करने में और मजा आता है, और किसी ने गलती से थोड़ी सी तारीफ कर दी तो और अपन को अच्छा लगता है, तो अपन पढ़ते हैं। देखो ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट है जो पास हुए जिनको मैथ्स नहीं था इलेवंथ। अच्छा ये भी एक होता है कि काफी स्टूडेंट को आपने देखा मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आया, मतलब आपको नहीं बाकी भी स्टूडेंट को आप देख रहे हो, एक साइकोलॉजी है कि इनकेस हमारा 11th 12th में मैथ्स हमने नहीं लिया या कि हमारा वीक था तो हम सीए तो कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर क्या है? नहीं ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा एक अपहैंड मिल जाता है पर इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अपहैंड मिल जाता है, एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि अब आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते मैथ्स नहीं लिया। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था और जिन्होंने थ्योरी लिया है उनको लॉ में मदद हो जाती है, लॉ में मदद हो जाती है, वन एंड द सेम थिंग यार। तो जिन्होंने थ्योरी लिया है जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एसपी सब्जेक्ट लिया था, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लिया था 11th 12th में, तो उनको लॉ सब्जेक्ट में हेल्प हो जाती है, और जिन्होंने मैथ्स लिया है तो उनको मैथ्स सब्जेक्ट में हेल्प हो जाती है। सो और कुछ कंट्रीब्यूशन आपके लिए, आपको क्या लगता है? नहीं मैं एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा इतने मार्क्स तो हमको भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, जिस प्रकार से इनकी कंडीशन हो गई थी, जो फैमिली प्रॉब्लम थी, हमको भी रहा कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया है, लेकिन आपने काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर किया। इवन ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है, बाकी फैकल्टी को भी लग रहा है, साथ में जो इनके साथ स्टूडेंट थे क्लास में। अच्छा एक चीज़ और पूछना था, ऐसे कोई स्टूडेंट आप आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या जिसने मतलब क्लास अटेंड की, टेस्ट दिया और फेल हो गया हो? नेचुरल सी चीज़ें, पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ आ गए और बैठ गए, तुमको टेस्ट वही तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ के तो आ जाओ कि क्या लिखना है करके, कुछ तो हो दिमाग में। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 24 घंटे पढ़ के आ जाओ, 2 घंटे एक चैप्टर का टेस्ट है, 2 आवर्स तो पढ़ के आ जाओ, इतना तो कम से कम टेस्ट की इज्जत रखो, राइट ना? लेक्चर्स अटेंड किए तो एक ब्रशअप हो गया तो फिर हो जाता है। सो लेकिन ऐसा मेरे को पर्सनली नहीं है, आपको कोई बताया नहीं गया, अपन जनरल जो भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा अपन को कोई आइडेंटिफाई हो रहा है कि यार उसने पूरे टेस्ट भी दिए, पूरे लेक्चर भी सीरियसली अटेंड किया और फेल हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक ही यही है ना कि आप यदि पढ़ रहे हो, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आप स्टडी कर रहे हो और फेल हो जाओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है, टैलेंट कभी कभी नहीं हो जाए तो भी हार्डवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि बहुत बार कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और एक्सीलेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, ये जो प्रोफेशनल फील्ड है यहाँ पास ना एक एवरेज नहीं बिलो एवरेज स्टूडेंट भी यदि हार्ड वर्क करेगा तो वो भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर सकता है। लेकिन सोचे कोई एक ब्रिलियंट है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और बोले कि मैं तो खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ और मेरा हो जाएगा, वो कभी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। तो जो हार्ड वर्क करेगा कोई भी क्लियर हो सकता है। थ्योरी के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? थ्योरी में मतलब एक दिमाग में रहता है, एक प्रेशर रहता है कि अभी इसको इतना रट्टा मारने हो, बुक देख के थोड़ा टेंशन आता है, पर जब हम यहाँ बैठते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार बैठ गई ना तो तुमको समझ जाता है कि वो पेपर में क्या लिखना है, और तुमको एक दिमाग में एंजॉयमेंट भी रहती है कि अरे हाँ आपने को ये नया सीखने को मिला। मेरी आवाज आती है क्या एग्जाम हॉल में? हाँ आती तो है। वो सबके साथ बैठ के उतना हम एक इसमें क्राउड में पूरा बैठ के और ना हम बोलते भी और हमारे कान में जाते भी है ना वो, राइट? तो फिर वो मेमोरी टेक्निक से हो जाता। अच्छा आपने कभी इस प्रकार की जैसे हम थ्योरी पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो, ऐसा जिंदगी में कभी पढ़ा था क्या पहले? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा था। तो क्या मजा आया? हाँ मैंने एक्चुअली क्लासेस 12th में ही लगाए थे और थोड़ा गूगल पे थोड़ा ढूंढा था, तो और मॉम डैड का ऐसा कहना था कि उन्होंने बहरे के बारे में पहले से बहुत सुना है तो इसलिए उन्होंने यहाँ लगाने को बोले थे। ठीक है और कुछ कंट्रीब्यूशन? और 12th के बाद बहुत सारे मतलब जो आजू बाजू वाले थे उन्होंने बहुत रिकमेंडेशन किए कि अलग अलग क्लासेस के, ओके, पर मॉम डैड ने देखा था कि टेक्निक क्या, और मेरे को भी थोड़ा इधर थोड़ा कंफर्ट जम चुका था। लेकिन एक चीज है, ये तो प्रॉब्लम आने वाली है, अभी आपको भी आने वाली है कि जो टेक्निक और मेथड से जितना जिंदगी के मजे लूटते हुए हम पढ़ते हैं वो आगे थोड़ा मिलना मुश्किल है, राइट? अच्छा हम कितने कितने लेवल में अपन किस किस मोड से लेक्चर देते हैं ये भी कुछ बताओगे? लाइव टेलीकास्ट होता है और एक मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, तो रिकॉर्डेड में भी मतलब ज़्यादा ध्यान तो तुम नहीं देते हो वैसे रिकॉर्डेड पे, पर तो अच्छा, भी रिकॉर्डेड अगर एक इमरजेंसी के केसेस के लिए। और 12th के टाइम को भी मेरा ऐसा हुआ था मतलब कि सबसे पहले एक पूरा फुल फ्लेज्ड लेक्चर, फिर उसके बाद में 15 मिनट्स में कैसे वो लेक्चर कंप्लीट करना है, 10 मिनट्स में, 5 मिनट्स में कैसे ब्रशअप करना है एग्ज़ाम के पहले, तो वो भी उसने भी बहुत हेल्प किया। मैं इनको समअप करता हूँ, देखो पर्सनली मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यदि जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो क्या होता है लाइफ में एक बार 11th मिलता है, एक बार 12th मिलता है, आप
ट्वेल्थ या ट्वेल्थ के आगे जाने के बाद आप इलेवंथ का सिलेबस कभी उठा के नहीं पढ़ सकते, नहीं देख सकते, राइट? डू यू एग्री विद दिस? सो अब आपने कितना भी किया, जिस प्रकार से जितना भी आपने इलेवंथ पढ़ा, उसी से काम चलाते हुए आपने इलेवंथ ट्वेल्थ और आगे का CA फाउंडेशन किया था। मैं यही बोलूँगा, देखो टेंथ तक जब तक आपका दिमाग नहीं चलता, तो मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आके लोगों से मिलो, जिस एरिया में रह रहे हो, जहाँ भी वीडियो देख रहे हो, जैसे भी है, लेकिन क्लासेस या तो कॉलेज में या स्कूल्स में इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो क्लासेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आई पर्सनली से, या कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उस सब्जेक्ट की क्लासेस की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस में ही सिर्फ एजुकेशन होता है, हाँ, लेकिन एक कंसेप्ट होता है कि एक मैंने भी एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, तो उन्होंने बोला कि सचिन तेंदुलकर के भी गुरु थे, धोनी के भी गुरु थे, अर्जुन के भी गुरु थे, राइट? हर भगवान भी अपने लिए एक मेंटर रखते हैं। तो उनका ये बोलना था कंक्लूजन में, बोल रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोगों को गुरु की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं बोलना मैं ही बस हूँ, बहुत सारे गुरु हैं जिनका आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो उन्होंने बहुत अच्छा बोला, तुम भी सुनना, उन्होंने बोला जो काम को आप बिना गुरु के करोगे तो मे बी शायद तक वही जो काम है उसमें आपको एक दिन लग जाए, एक साल लग जाए, 8-10 साल लग जाए, लेकिन वही आप गुरु की मदद से करोगे तो क्या पता आपको वो 10 मिनट में हो जाए, एक डायरेक्शन मिल जाता है, क्या वाले का एक्सपीरियंस भी होता है, सामने वाले का एक्सपीरियंस भी होता है। इसी को तो बोलते हैं गुरु, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको उस चीज़ में हेल्प करता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कोचिंग क्लासेस, मैं बात कर रहा हूँ एक गुरु होना चाहिए, ताकि आपको एक आपका ऑनलाइन गुरु हो सकता है, आप जहाँ से पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन एक फिक्स कर लो, गुरु बार बार बदलते नहीं है, एक फिक्स कर लो, उनको गुरु मान लो, अब जो होगा होगा, लेकिन वही जो चीज़ आप 10 आवर्स में स्टडी करोगे, वो कंसेप्ट को मे बी अच्छे तरह समझ में भी नहीं आए, वो हमारे यहाँ क्या हो सकता है 10 या 15 मिनट में हो जाता है। और बहुत बार मैंने भी 11th में नहीं लगाया था, लेकिन आज भी रिग्रेट करता हूँ कि यार मैंने भी अच्छे से लगाया होता क्लासेस, तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग लेवल एक अलग लेवल की होती, चीज़ों को समझ में आती है। सो मेरा इतना ही रिकमेंडेशन है, जहाँ भी लगाओ, जैसे भी लगाओ, एक अच्छी सी क्लास देख के आपको लगाना चाहिए। और CA फाउंडेशन के ऊपर एक डर बना के रखे रहे, और पूरा एक मॉब था डर का बैठ गया था, तो वो निकल जाता है धीरे 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 निकल जाता है, लेकिन डर तो होता ही होता है। हम जब एग्जाम करते हैं तो अलग अलग वीडियो देखते, तो उन लोग लॉ या मैथ्स के बारे में बहुत डराते हैं लॉ मैथ्स के बारे में। तो एक बार मतलब समझ जाए, अगर हम खुद से देखें ना, तो फिर थोड़ा आराम आता है कि नहीं, मतलब इतना भी नहीं है जितना हाइप करके रखा हुआ है, जितना डिफिकल्ट, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा यार, हम एकदम ओपनली बोल रहे हैं, हम सभी बोल रहे हैं कि एटलीस्ट क्लास तो अटेंड करो। वी आर नॉट सेइंग कि अब जाके घर में 16 आवर्स, ऐसा कभी पढ़ाई किया? अच्छा, आपने इवन फाइनल एग्जाम, मतलब मेन एग्जाम के पहले भी मैक्सिमम कितने आवर्स आपने स्टडी किया? मैक्स 6 हो गया रहेगा, गलती से हो गया होगा एग्जाम के पहले की बात कर रहा हूँ, और एग्जाम के पहले के मैं वो नहीं इनसे बुलवाऊंगा, नहीं तो बोलोगे सर आपने बोला था, देखो वो कुछ भी स्टडी नहीं करता था, हम भी स्टडी नहीं, एटलीस्ट 1-2 घंटे पढ़ लेना। हाँ, लेकिन ये महाशय हैं, इन्होंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की थी, सिर्फ क्लास में आते थे, बैठते थे, पूरी ज़िंदगी के मज़े, चाय पीते थे नीचे और ऊपर आके बैठते थे, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स में डेडिकेशन था, वॉशरूम के अलावा कहीं नहीं जाते थे, आराम से पूरे मज़े मस्ती करते हुए क्लास में, लेकिन लेक्चर अटेंड। और मैं ऐसा क्लियर बोल रहा हूँ, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट, लेकिन मैं अपने क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल करूँगा, ये डिसएग्री हो तो सामने बता दें, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने वो फॉलो नहीं किया, वो कौन सा क्राइटेरिया था, 9 लेक्चर एंड 100% टेस्ट, वो किसी ने नहीं दिया, और वो कर ले कोई और फेल हो जाए CA फाउंडेशन, जो बोलोगे मैं छोड़ने को टीचिंग रेडी हूँ। अरे सीधी सी बात है बच्चों, मैं ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ, स्टडी कर लो और फेल हो जाओ, दोनों नहीं हो सकता, राइट? आपने 9 लेक्चर अटेंड किया और आपने टेस्ट हमारे दिए हुए हैं, तो आप फेल हो ही नहीं सकते हो, ये एक छोटा सा कंडीशन है। और हमने टेस्ट में कभी भी कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखा, ठीक है बच्चों? सो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी कुछ अपने, अच्छा जूनियर्स को और कुछ बोलना चाहोगे स्टडी टेक्निक के बारे में? स्टडी टेक्निक तो मतलब एक अपना लेक्चर है, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, आपने देखा है? हाँ देखा है। ये कौन सा लेक्चर है बताओ इनको? ये अपने वीडियो सेक्शन में होता है एक, तो उसमें मतलब प्रॉपर तुमको पता है कि कैसे देखना है, मतलब कैसे तुम्हारा स्टडी, तुमको रूटीन प्लान करना है, कैसे करना है, सब बताया है उसमें। बताया गया है कि स्टडी करते कैसे, क्या होता है बहुत बार हमको खुद को लगता रहता है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं हम बेस्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि स्मार्टली कैसे स्टडी किया जाए, हमने उसमें पूरे डिटेल में सारे पूरे वीडियो में बता के रखा हुआ है कि एक स्मार्ट स्टडी की कैसे जाती है, स्पेसिफिकली CA फाउंडेशन एंड प्रोफेशनल एग्जाम में, बिकॉज वहाँ पर सिलेबस क्या होता है, बहुत वास्ट होता है, तो इतना सारा सिलेबस एक दिन के पहले, एग्ज़ाम के पहले पूरा रिवाइज करके जाना इम्पॉसिबल है। तो हमने बताया कि आपको समरी कैसे करने,
करने का है, किस प्रकार से रिवाइज करना है, और हमारा 1 आवर का लेक्चर उसके बारे में कुछ बोलोगे? कौन सा? हर चैप्टर के बाद 1 आवर लेक्चर, 1 आवर एक रिविजन लेक्चर होता है जिसमें सब ब्रशअप होते हैं, सारे पॉइंट्स को टच करते हैं, और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से टच कर लिया, डिटेल्ड में एकदम फटाक से सब हो जाता है, क्योंकि वो पहले से जिन्होंने लेक्चर देखा है उनको एक रोलिंग में रहता है कि मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या है, मतलब जो डायरेक्ट 1 आवर के सेशन पे बैठेगा उसका नहीं होगा राइट। जो ये बताना चाह रहे हैं कि इन केस आपने एक रेगुलर स्टडी किया हुआ है, लेक्चर अटेंड किया है, और सडनली आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मेरे को याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वही लेक्चर को आप कान में लगा के बैठ सकते हैं, आपका पूरा का पूरा चैप्टर का रिविजन हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको फिर से कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। और उसमें ना आप हाउ टू स्टडी इफेक्टिव देखो तो उसमें डेट का कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना परफेक्ट है कि मतलब जो उसने जब भी डिमोटिवेट होता है स्टूडेंट, और वो जब वो फॉलो कर ले रूल्स जो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली में है, वो डिमोटिवेशन उस स्टूडेंट को कभी नहीं आएगा, क्योंकि इतने परफेक्ट उसके अंदर कंसेप्ट दिए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप और कोई मैसेज देना चाहोगे? एक मैसेज तो है कि टाइम से क्लासेस लगाओ, राइट, आपके कंक्लूजन है क्लासेस लगाओ, एटलीस्ट 11th में अकाउंट्स तो लगाओ और 12th में सभी सब्जेक्ट लगाओ। रीजन क्या है? सभी सब्जेक्ट इन द सेंस अकाउंट्स, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, OCM है, तो ये सब लगाने से, लैंग्वेज छोड़ के सब लगा लो। रीजन क्या है? हाँ, वो भी बेहरे क्लास में लगाओ, क्योंकि मैंने भी थ्योरी दूसरों को पढ़ाते हुए देखा है, लेकिन मेरे को दूसरे क्लासेस के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना है, मैंने खुद ही बोला है आपको कि आप जहाँ लगाना चाहे लगाओ, लेकिन अच्छी क्लास ढूंढ के लगाओ, लेकिन हमारे यहाँ थ्योरी नहीं लगाई तो मतलब आपने कुछ नहीं लगाया, क्यों?